नमस्कार। नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात परमाणु युद्ध के सबसे बड़े खतरे की। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ापोरिज़्या पर हमला हुआ है और इसने पूरे यूरोप को परमाणु रेडिएशन के खौफ से अब भर दिया है। कहा जा रहा है कि ज़ापोरिज़्या की परमाणु भट्टी इसी तरह खोलती रही तो धमाका होगा और इस धमाके की गूंज 10 देशों में सुनाई देगी। मतलब बिना एटम बम चलाए दुनिया को परमाणु वाली मौत मिलेगी। दुनिया का होगा परमाणु अंत। रूस के लैब में रेडिएशन फॉर्मूला रेडी। रूस के कमांडर्स का ज़ापोरिज़्या 0.2 प्लान। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में होगा विस्फोट। ज़ापोरिज़्या में दी गई मौत की सुपारी। कैसे और क्यों, इसे समझने के लिए एक एक पॉइंट को बहुत गौर से समझना होगा, क्योंकि परमाणु परमाणु के चिल्लाहट के बीच असली परमाणु खतरे की डिटेल आपसे कहीं छूट ना जाए। कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध का अंत हो ना हो एटम बम से ही होने वाला है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बहुत खास दिमित्री मेदवेदेव ने इसकी ताजा तस्दीक की है। ядерного конфликта нет, не миновала, она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает. मेदवेदेव की परमाणु बम की पांचवीं धमकी में नया क्या है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले रूस की इस नई लॉन्च मिलिट्री मिसाइल को देख लीजिए। यह मिसाइल रूस के मिलिट्री के दूसरे डिपार्टमेंट्स के बीच तालमेल पैदा करेगी, उन्हें साजो सामान संबंधित सबसे ताजा जानकारी मुहैया कराएगी। रूस इस वक्त उन इलाकों पर भी ताजा हमले कर रहा है जहां एक तरह से उसका कब्जा है। बिल्डिंग में लगी इस आग से हुए सर्वनाश को आंकिए। पावर प्लांट पर हमले छोड़िए, रूस यूक्रेन के आम नागरिकों तक को नहीं छोड़ रहा। अब उस ज्वालामुखी के समान सुप्तावस्था में सुलगते ज़ापोरिज़्या परमाणु पावर प्लांट में विस्फोट की आशंका का मूल समझ लीजिए, क्योंकि चीन के शांति प्रस्ताव की चीख पुकार के बीच ज़ापोरिज़्या धमाके के लिए उबल रहा है। रूस की मिसाइल स्ट्राइक ने न्यूक्लियर पावर प्लांट को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी कह रहे हैं कि ज़ापोरिज़्या से दुनिया के लिए किसी भी वक्त मौत की लहर चल सकती है, जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। This is work in progress. We have achieved certain things. We will not achieve anything until this war is over, of course. But in our particular case, till we can say, well, this incredible thing happened to all of us and we could navigate it without a major radiological emergency, a major nuclear accident, which this time, and this is another big difference, this time will not be the result, like Chernobyl, of an opaque and aberrational system like the Soviet used to be. ज़ापोरिज़्या यूक्रेन के उन इलाकों में शुमार है जिस पर रूस की सेना ने युद्ध के शुरुआती दौर में कब्जा कर लिया था। कई बार ज़ापोरिज़्या की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठे। इससे पहले दो बार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ज़ापोरिज़्या का दौरा कर चुके हैं। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन का नया खतरा पैदा हो गया है, कैसे, बहुत ध्यान से सुनिए। 9 मार्च को रूस की नई मिसाइल ज़ापोरिज़्या पर गिरी। इस हमले ने प्लांट और पावर ग्रिड के बीच के कनेक्शन को तोड़ दिया। इसका नतीजा हुआ है कि अब प्लांट सिर्फ एक पावर लाइन पर चल रहा है, जो कि रिएक्टर्स को कूल यानी ठंडा रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। रिएक्टर्स को कूल नहीं रखा गया तो ब्लास्ट होगा, जिससे रेडिएशन फैलेगा।
इस रेडिएशन की कोई सरहद नहीं होगी। ज़ापोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पे धमाका होता है तो रेडिएशन रूस तक पहुंचेगा, पोलैंड भी इसकी जद में आएगा, बेलारूस भी इस परमाणु रेडिएशन से खुद को नहीं बचा पाएगा और यूक्रेन में तो मौत गली गली नाच करेगी। यूक्रेन की खून से नहाई जमीन पर जिंदा लोग तब बंकरों में बैठे मौत के मुंह में समा जाएंगे और पूरी दुनिया तमाशबीन बनी रहेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर्स की कूलिंग को बहुत सरल शब्दों में समझ लीजिए। ज़ापोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुल 6 रिएक्टर्स हैं। इन 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। ये गर्मी कहीं विस्फोट का कारण नहीं बने, इसलिए कूलिंग की जरूरत पड़ती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को दूसरे ऑपरेशन के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन रूस की मिसाइलों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के एनर्जी कनेक्शन को ही लगभग खत्म कर दिया है। जिस सिंगल पावर लाइन पर पूरा प्लांट टिका है उसका कनेक्शन कभी भी कट हो सकता है। सोचिए जरा फिर क्या होगा, ना तो मिसाइलें चलेंगी, ना बम, ना गोले, ना स्टैन गन, ना मशीन गन, जहरीली हवा चलेगी और मौत ही मौत। मतलब अगर वक्त रहते यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की तपिश कम नहीं की गई तो परमाणु आग में दुनिया खाक हो जाएगी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि यूक्रेन दुनिया भर में न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करने वाला तीसरे नंबर का देश है। यूक्रेन में एक तो नहीं कुल 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक्टिव है। इन पावर प्लांट से ही यूक्रेन की 50% बिजली की जरूरत पूर्ति होती है। मार्च के पहले हफ्ते में प्लांट में लगी आग से दुनिया की सांसें टंग गई थी और अब ज़ापोरोजिया पावर प्लांट फिर से विस्फोट की आशंका के दौर में है। परमाणु हादसा रूस में ही हो चुका है। जब 37 साल पहले 26 अप्रैल 1986 की सुबह चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ, इसे दुनिया का सबसे बुरा परमाणु हादसा कहा जाता है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर उत्तर और पड़ोसी मुल्क बेलारूस से 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। ये प्लांट 4 रिएक्टरों से बना है। प्लांट से करीब 15 किलोमीटर दूर चेर्नोबिल कस्बा था जहां पर करीब 12,000 लोग रहते थे। कहा जाता है कि रिएक्टर्स में कूलिंग कम हुई और विस्फोट हो गया। परमाणु रेडिएशन स्वीडन तक पहुंचा और लोगों की ना सिर्फ मौत हुई बल्कि उम्र भर के लिए बीमार हो गए। आज ज़ापोरोजिया का हाल भी चेर्नोबिल की तरह दिख रहा है, बस हादसा रुका है और ये कभी भी हो सकता है। सवाल है कि चेर्नोबिल हादसे के बावजूद क्या रूस जानबूझकर ज़ापोरोजिया का जहरीला अंत चाहता है? क्या यूक्रेन को परमाणु विनाश का पुतिन एक झलक दिखाना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, युद्ध के बिल्कुल शुरुआत से रूस का यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की जो मंशा है वो अब भी ज्यों की त्यों दिख रही है। ताजा उदाहरण है दिमित्री मेदवेदेव का बयान, जिसमें अमेरिका को खुली धमकी है कि हथियारों का जखीरा अगर यूं ही यूक्रेन सप्लाई होता रहा तो रूस के एटम बम अपने ठिकानों पर आराम नहीं करेंगे, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। रूस की न्यूक्लियर धमकी हल्के में ना तो बाइडेन लेते हैं ना ज़ेलेंस्की, दोनों परमाणु बम की धमकी की चिंता में हैं, क्योंकि इसे जैसा दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं संसार का पूर्ण विनाश हो जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर ब्लास्ट होते ही 10 सेकंड से भी कम समय में वो इलाका और वहां की जमीन आग की तरह धधकने लगती है। चारों तरफ बहुत तेज सफेद चमक पैदा हो जाती है। परमाणु विस्फोट के 3 बेहद घातक असर होते हैं। पहला, ज्वालामुखी की आग से भी ज्यादा तेज गर्मी पैदा हो जाती है। दूसरा और बेहद खतरनाक होता है, रेडिएशन का असर। इसमें बेहद खतरनाक गामा किरणें निकलती हैं। ये इतनी खतरनाक होती हैं कि शरीर के जिस भी हिस्से पर पड़ जाएं वो हिस्सा बदल ही जाता है, यहाँ तक कि डीएनए भी चेंज हो जाता है। इसके बाद ग्राउंड जीरो से होते हुए शॉक वेव चलती है जो कई किलोमीटर के दायरे में हर चीज को तबाह करते हुए चलती है। ये जानते समझते हुए भी इंटरनेशनल स्तर पर परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की माने तो दुनिया भर में 3500 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जबकि दुनिया का अंत कुछ एक परमाणु बम से ही हो सकता है। और ज़ापोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से विकिरण यानी रेडिएशन हुआ तो एटम बम चलाए बिना भी नाश निश्चित है।